गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। ये ऐसे और ये वैसे और वो वैसे, और वो भी आके आओ, माला पहनाओ, नारियल लाओ, ये करो। अरे दर्पण ले आना, जितना बोल रही थी उतना हमारा व्यक्तित्व है या नहीं है, और नहीं है तो आज से ही बनाने की कसम खा लेना, तो जानना मेरी प्रशंसा सार्थक और सफल हो गई। आज से ही मैं अपना जीवन सुधारूंगा, आज से ही अपना व्यवहार सुधारूंगा, आज से ही अपना नेचर सुधारूंगा, तो तुम्हारा स्वागत सत्कार सार्थक हो जाया कर। खोटे ध्यान रखना, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे, छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे। आदमी ही आदमी के काम जो ना आ सका, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे, पूजते मंदिरों में भगवान का हम। नाभि राय ने दर्पण देखा, मैं इस प्रशंसा के योग्य हूँ या नहीं हूँ, ध्यान सोच रहे थे नाभि राय। सारे दुनिया मेरी जय जयकार कर रहा है, मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं? यदि नहीं हूं तो मुझे बनना चाहिए। यदि किसी सासु ने बहू से कह दिया, बहू रानी तुम नौकरानी जैसा काम मत करो, बहू हो अब रानी जैसा काम करो, क्योंकि उसने तुम्हें बहू रानी कह करके बुलाया। लेकिन सास भी तो ऐसी है, काय को बहू रानी, उसके मुंह से ही नहीं निकलता बहू रानी। नहीं, यहां की सास की बात नहीं कर रहा हूं, गजपंथा वालों की कर रहा हूं। अब तो वहां से आ गया मैं, ध्यान रखना, तुम्हारी बात तो कोपर गांव में करूंगा विचार कर। नाभि राय ने देखा कि मैं इस योग्य हूं या नहीं हूं। दो घटना दर्पण में घट गई। घटना क्या घट गई? दुर्घटना हो गई। नाभि राय ने क्या देखा कि उनका जो मुकुट है ना, वो झुक गया है। मुकुट झुक गया, दर्पण देखते मुकुट झुकने लगा है। नाभि राय ने सोचा कि मुकुट झुक रहा है, इसका मतलब यह है कि अब सत्ता के दिन खत्म हुए और सत्य के दिन चालू हो गए। दर्पण से शिक्षा ले ली, दर्पण से ज्ञान ले लिया, दर्पण से बोध ले लिया। नाभि राय ने कहा कि अब मुझे घर में नहीं रहना चाहिए, अब मुझे संसार में नहीं रहना चाहिए, मेरा मुकुट झुक गया, इसका मतलब है अब ये मुकुट मुझे अपने पुत्र के शीश पर रखकर संन्यास के मार्ग पर चले जाना चाहिए। ध्यान रखना, नाभि राय को एक बोध मिल गया, नाभि राय को एक सत्य मिल गया कि अब मुझे सत्ता के दिन छोड़कर सत्य की तरफ बढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, बचपन जो होता है वो ज्ञान अर्जन के लिए होता है, जवानी जो होती है वो धन अर्जन के लिए होती है, और बुढ़ापा जो होता है वो पुण्य अर्जन के लिए हुआ करता है। जो अपने जीवन का संविधान ऐसा बना लेता है उसका मनुष्य होना सार्थक हो जाता है। जवानी बचपन में बहुत ज्ञान प्राप्त करो, जवानी में बहुत धन का अर्जन करो, और बुढ़ापे में धन को भी छोड़ो और पुण्य का अर्जन करो, क्योंकि ये जीवन नहीं, आने वाला एक जीवन और हमें आनंद के साथ जीना। बुढ़ापे में पुण्य अर्जन करो। एक व्यक्ति बोला, गजपंथा में चार पांच लोग ही अभिषेक करते हैं, मैंने कहा समाज में कमी तो है नहीं? बोले आते ही नहीं है कोई। मैंने कहा एक बात बताओ, यदि जैन समाज के यहाँ 1500 घर होंगे, हर घर में एक एक बूढ़े तो होंगे ही होंगे, एक एक अम्मा जी तो होगी होगी, GST काट दो काला जी, है ना? तो 1000 बूढ़े नहीं तो 500 बूढ़े तो होंगे। इनका इनको पूछो ये घर में बैठ के करते क्या है। यदि इतने बूढ़े जाकर भगवान का अभिषेक करे, अपने आप प्रतिदिन उत्सव और महोत्सव का रूप जीवन में, लेकिन ये घरों में बैठे रहते, पिक्चर देख रहे, टीवी देख रहे, अखबार पढ़ रहे। एक दादाजी थे, अखबार पढ़ रहे थे। मैं आहार के लिए निकला, आंगन में बैठ के अखबार पढ़ रहे। मैं आहार के लिए निकला तो मैंने कहा दादाजी क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं महाराज, अखबार पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा तुम मंदिर नहीं आते हो? तो बोले कि टाइम नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं, इतना समय कहाँ मेरे पास मंदिर आने का, प्रवचन सुनने का। मैंने कहा कोई बात नहीं। लौट के मैंने आकर देखा, फिर वही अखबार पढ़ रहा आधे घंटे बाद। मैंने कहा दादाजी एक अखबार कितनी बार पढ़ लिया? बोले सुबह से 4 बार तो पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा 4 बार क्यों पढ़ रहे हो? बोले टाइम पास कर रहा हूँ। विचार करो, धर्म के लिए टाइम नहीं है, सत्संग के लिए टाइम नहीं है, प्रवचन के लिए टाइम नहीं है, और घर में बैठे रहो तो बोले टाइम है, काट रहा हूं। ध्यान रखना, समय को दुनिया में कोई नहीं काट सकता है। होता यह है
कि समय ही हमारी जिंदगी को काट दिया करता है। मेरे भाई, जितना जीवन मिला है उसे सार्थक करो। नाभि राय ने देखा मेरा मुकुट झुक गया, अभी सत्ता के दिन खत्म हो गए, अभी मुकुट उतार कर मुझे ऋषभ देव के शीश पर रख देना। क्या महाराजा लोग थे, क्या राजा लोग थे, क्या सोच थी और क्या चिंतन थी। लगाओ अपने आप को कि हम क्या कर रहे हैं इस उम्र में, हमसे छूटता नहीं है। नाभि राय ने कहा कि अब मुझे छोड़ करके जो बची जिंदगी है वो मेरी जिंदगी सार्थक होना चाहिए। जितना जीवन बचा है उसे सार्थक करो, वरना मनुष्य जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, जिंदगी बची कितनी है मालूम है क्या? 4 दिन भी हैं तुम्हारे पास, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो एक जगह में आनंद यात्रा करा रहा था, एक बूढ़ा इतना हंसा कि चल बस वहीं से निपट गया। मैंने कहा हुआ क्या? बोले चक्कर आ गया। देखा चक्कर मक्कर कुछ नहीं, वो तो टक्कर मार के चला गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आनंद यात्रा सब यात्रा बन गई इसकी। जिंदगी का कोई भरोसा? कब जिंदगी धोखा दे दे कोई भरोसा? जवान आदमी चला जाए, अभी व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा एक मुनि महाराज यंग 35-34 साल के, सामायिक करते करते उनका देह का विसर्जन हो गया। जिंदगी का क्या, कैसे जी रहे हो कि बड़ी लंबी जिंदगी लेकर आए हो? नहीं, नाभि राय ने कहा कि नहीं, अब मेरा खेल खत्म हुआ, अब मुझे सत्ता पर बैठना नहीं है। मान्यवर, बुढ़ापे को व्यर्थ मत समझो। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कौन है बूढ़ा और कौन है जवान? यदि 30 साल का आदमी कहता है ना कि अब मुझसे कुछ नहीं होता, तो पुलक सागर कहता है वो 30 साल का जवान भी बूढ़ा है। और कोई बूढ़ा कहता है कि मेरा समय पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा, तो मैं कहता हूं 80 साल का बूढ़ा भी किसी जवान से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, तन के बूढ़े हो गए तो कोई बात नहीं, आदमी को मन से कभी बूढ़ा नहीं होना। मन से जवान रहो। जो कहता है कि पहले भी मेरा जमाना था और आज भी मेरा जमाना है, और जब तक मेरी सांस की अंतिम सांस बची है तब तक मैं हारूंगा नहीं, मैं कहता हूं 80 साल का बूढ़ा भी 23 साल के जवान से कम नहीं हुआ करता है। और आजकल 23 साल के जवानों के चेहरे देखो, ऐसे लटके मरे मरे से टेंशन में जीते हैं। पढ़ लिया लिख लिया, जॉब नहीं लग रहा, नौकरी नहीं हो रही, सेटल नहीं हो रहे। अरे बूढ़ों की तरह जिंदगी क्यों जी रहे हो? जवानों की तरह जिंदगी जियो। जवानों की तरह हमारे हौसले और जज्बात होना चाहिए। एक बात याद रखना, बुढ़ापा कोई मृत्यु का अंतिम पहर नहीं हुआ करता है। बुढ़ापा कोई ऐसी चीज नहीं है जहां तुम हताश हो जाओ, निराश हो जाओ। मैं सारे रिटायरमेंट लोगों को देख रहा हूं, वही बैठे हैं ज्यादा यहां पर, ध्यान रखना। मैं उनसे कह रहा हूं उदास मत हो, बुढ़ापा अभिशाप नहीं है, बुढ़ापा वरदान है। बुढ़ापा जीवन के उत्थान का एक अवसर है कि यहां भी आप अपने जीवन को सार्थक, अनुभवों से भरी जिंदगी है तुम्हारी। मैं आपसे कहता हूं, किसी बूढ़े की झुर्रियों को देखकर उसका मजाक मत बनाना, हंसना मत कि इसकी बुढ़ापे में झुर्रियां आ गईं। अरे मेरे भाई, हंसना मत। एक बात याद रखना, किसी बूढ़े की कांपती हुई गर्दन देखकर के उसका मजाक मत बनाना, बल्कि ये सोचना कि वो बूढ़े की कांपती हुई गर्दन कह रही है कि जो कुछ भी करना है अभी कर ले, बुढ़ापे में तेरे से कुछ भी होने वाला नहीं है। बूढ़े के हाथ कांपते हुए हाथ कहते हैं जो भी आहार दान दान पुण्य करना है जन्म में अभी कर ले, बुढ़ापे में तू कुछ ना कर पाएगा। और बूढ़े के लड़खड़ाते पैर कहते हैं जो भी तीर्थ यात्राएं करना है आज ही कर लो, बुढ़ापे में तुम कुछ भी कर नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करता है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं युवाओं से, बूढ़े की एक एक झुर्रियों में जिंदगी के हजार हजार अनुभव लिखा करते हैं। पढ़ सको तो पढ़ने का प्रयास, एक एक झुर्री में हजार अनुभव है जिंदगी के एक बूढ़े के। बूढ़ों का मजाक मत बनाइए, बूढ़ों का सम्मान करना सीखिए। ध्यान रखना, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दो, फल दे या ना दे छाया तो देता रहेगा। ध्यान रखना, बूढ़ा पेड़ भी छाया देता है ना, फल दे या ना दे। मान्यवर, बुढ़ापे को व्यर्थ मत समझिए, मौत का आना तो तय है, बुढ़ापे का आना भी तय है, लेकिन बुढ़ापे को कैसे जीना ये हमारे ऊपर डिपेंड किया करता है। आनंद से जियो, मुस्कुराते हुए जियो। क्यों?
बहु बेटे और पोतों में अपने बुढ़ापे को बर्बाद करते हो, आनंद के साथ जियो, सब कुछ तो तुमको प्राप्त हो गया है। मान 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 नाभि राय ने सोचा बुढ़ापे को सार्थक करो। एक बात याद रखना, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, चाहे तो तुम बुढ़ापे को गुनगुना के जियो और चाहे बुढ़ापे को भुनभुना के जियो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। आनंद से भी जी सकते हो, मुस्कुरा के भी जी सकते हो, प्रेम से भी जी सकते हो, निर्भर होकर भी जी सकते हो, भगवान की शरण में जाकर भी बुढ़ापा सार्थक। देखो ना हमारे संग में महाराज बब्बा महाराज बुढ़ापे में दीक्षा ली, तुमसे कुछ नहीं होता, इनने जो तुम जवानी में नहीं कर पाए वो इन्होंने बुढ़ापे में करके जीवन को सार्थक और सफल कर लिया अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना, संत की राह पर चल। कौन कहता है कि सन्यास के लिए जवान होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए? अरे मन यदि जवान है तो बुढ़ापे में भी सन्यास घटित हो जाया करता है, जीवन के सत्य के दर्शन हो जाते हैं। ध्यान रखना, मरते समय मुख में नमोकार रहा तो तुम सम्यक दृष्टि हो, और मरते समय हाहाकार निकला, हाय तोबा पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा, रोटी भी चबती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, पापड़ चबाता, ये जिंदगी है क्या? पड़े पड़े मर रहे और हाय हाय कर रहे, ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं है। एक बूढ़ा मर रहा था, उसके अंतिम समय था, ऑक्सीजन लग रहा था, उसने अंतिम समय कहा अपनी पत्नी से, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बोले पिताजी यहीं खड़ा हूँ। बोले छोटा बेटा कहाँ है? बोले आपके चरणों में खड़ा हूँ। बोले मेरी पत्नी कहाँ है? बोले आपके बाजू में खड़ी हूँ। बोले मेरा बीच वाला मंझला बेटा कहाँ है? पिताजी मैं यहीं तो खड़ा हूँ। उसने झट से निकाली सलाइन अलाइन फेंकी, बोले कंबख्त तो सब यहीं हो तो दुकान में कौन है? आदमी मर रहा है, दुकान की हाय हाय कर रहा है। ऐसा बुढ़ापा तुम्हारी जिंदगी का ये चरित्र है, तुम्हारी जिंदगी का प्राण संकट में और केरा दुकान में कौन है? ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी है तुम्हारी, ऐसा जीवन है तुम्हारा, ऐसा जीवन का चरित्र बना करके जियोगे मेरे भाई। विचार करिए, सोचिए, एक आदमी सम्मेलन शिखर की यात्रा को गया, शत्रुंजय की यात्रा को गया, जैसे ही पहुंचा वहां से बेटे ने फोन लगाया, पिताजी अच्छे से पहुंच गए? बोले हाँ बेटा अच्छे से पहुंच गया। बोले बहुत अच्छे से यात्रा करना, बहुत अच्छे से वंदना करना, दुकान की चिंता मत करना, घर की परवाहें मत करना, जितना मन लगे उतना रहना और भगवान के भजन करना, जीवन को सार्थक करना। एक बेटा बाप को ऐसा कह रहा है, बाप का दो मिनट बाद फोन आता है, बेटा चिंता मत कर मैं कल आ रहा हूं। अब बता, अब सोचो कौन है शिखर जी में? मैं पुलक सागर कहूंगा। जो बेटा कह रहा है कि तुम शिखर जी में आनंद के साथ रहो, वो सम्मे शिखर में बेटा है, और जो बाप कह रहा मैं कल ही आ रहा हूं, वो सम्मे शिखर में होकर भी अपने घर में बैठा हुआ है। ध्यान रखना, कैसा चरित्र है हमारा, कैसी सोच है हमारी, कैसे विचार है हमारे। बच्चे कहते धर्म करो, दादाजी कहते दुकान आ रहा हूं। ध्यान रखना, वाह री जिंदगी, बुढ़ापा है ना, इसको सफल करो। सब कुछ देख लिया तुमने, कुछ भी देखने को बचा नहीं है। नाभि राय ने देखा मुकुट झुक रहा है, इसे उतार कर पुत्र के शीश पर रख देना। ध्यान रखना, ज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही अंतर होता है। ज्ञानी नाभि राय थे, उन्होंने कहा मुकुट झुक रहा है तो उतार कर पुत्र के शीश पर रखो। एक मुकुट नाभि राय के शीश पर था और एक मुकुट रावण के शीश पर था, और उसके शीश पर एक नहीं दस दस मुकुट थे। ध्यान रखना, दस मुकुट रखने वाला जब उसका मुकुट गिरता है तो फिर उठाता है, फिर पहनता है, फिर उठाता है, फिर पहनता है, फिर उठा। ये अज्ञानी के लक्षण है, और ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? थोड़ा सा मुकुट झुका पुत्र के शीश पर रख देना। मैं बुजुर्गों से निवेदन करूंगा, बुढ़ापे को आनंद में बनाना है, घर में ज्यादा दखलंदाजी मत करो, मत बोलो बेटी कहाँ जा रही, बहू कहाँ जा रही, तू क्या कर रही, बेटा तू क्या कर रहा है। ज्यादा किट किट पिट पिट लगे रहोगे ना, घर में तुम सुखी रहने वाले नहीं हो। ध्यान रखना, मत दो, तुम भगवान पे ध्यान नहीं देते, बहू पे ध्यान देते, किटी पार्टी में क्यों जाती, कितने बजे लौट करके आए, तू कहाँ गया था, तूने ऐसा नहीं किया, वो धंधा इसका, वो बेटा, इसमें हाय तौबा में लगे रहोगे, ये जन्म भी बिगड़ेगा और अगला जन्म भी। अरे सब तो कर दिया, बेटे को बड़ा कर दिया, बहू आ गई, बेटे के बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए,
फिर भी टेंशन लेके जी रहा है, क्या करना है तुझे जीवन में, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। बुढ़ापा उन्हीं का सार्थक होता है, आनंद के साथ। ज्यादा इंटरफेयर जो सास करती है ना, उसकी घर में इज्जत नहीं रहा करती है। जो ससुर ज्यादा बच्चों में इंटरफेयर करता है, उसका घर में सम्मान खो जाया करता। ज्यादा मत करो, तुम्हें विश्वास ही नहीं होता मेरा बेटा धंधा चौपट कर दे, अरे खाक चौपट कर देगा, अरे उसके भाग्य में जो लिखा है वो करेगा, और तुम्हारे भाग्य में जो था, तुम्हारे कौन से माँ बाप तुम्हें सब सौंप करके गए थे, तुमने मेहनत से कमाया है। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कैसी चिंता में जीते हो, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा, दादाजी हमारे साथ चलो, पोते की शादी हो जाए, धत्तरी की वो शादी के तू करेगा क्या, बीबी रोटी देगी बीबी नहीं देगी, विचार करो। बच्चे के बच्चों से उम्मीद लगा करके रखें, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, ध्यान रखना। सुख से जिंदगी जीना है, घरों में ज्यादा चिपकने का प्रयास मत करिए। बात कड़वी है, बात सच है, ध्यान रखना। आनंद के साथ जियो, जो समय परिवार में लगाया, रिश्तेदारों में लगाया, वो समय भगवान की भक्ति में। बुजुर्गों से निवेदन है, बचपन में जितना समय तुम मंदिर में देते थे ना, वो जितना दुकान में देते थे, बुढ़ापा बिल्कुल उल्टा कर दो। पहले जितना दुकान में देते थे उतना मंदिर में देना शुरू करो, और जितना मंदिर में देते थे उतना दुकान में देना शुरू करो। जिंदगी आपकी सार्थक। ज्यादा जाओगे, ज्यादा घरों में बैठोगे, कलह होंगी, लड़ाइयां होंगी। मानते हो बुढ़ापे और बचपन में क्या अंतर होता है? जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको देखना, कभी लेटा होता है, बैठ नहीं पाता है। छोटे बच्चे के पैर बहुत चलते हैं, धड़ 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 साइकिल चलाते ही रहता है, खुश रहता है। तो छोटे बच्चे के पैर बहुत चलते हैं, और बूढ़ों की हाँ, कितने जल्दी बहुएं बोली, वन बहू बोली यही चौमासा करो हमारे दादाजी सुधर जाएंगे, कितने जल्दी बोली, बूढ़ों की जवान बहुत चलती है। जवान की तो खतरा लाड़ी और काय की लड़ाई है, जो ज्यादा टकर टकर चकर 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 सरोते में सुपारी कटते रहेगी, कटते रहेगी, कटते रहेगी, दुख और सुख भी तुम्हारे जीवन से दूर। ज्यादा जुबान मत चलाओ, चुप रहो, चुप रहो, चुपचाप देखो। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार, जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञान।